अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ MKD मोटर्स पे, जो कि मेन GT रोड रावलपिंडी में अवेलेबल है। और आज जिस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, इट्स अ डाइहेट्सो मूव, अ जैपनीज कार। सो इसके ऑनर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। डाइहेट्सो मूव, इट्स अ जैपनीज 660cc कैटेगरी कार। 2018 का ये मॉडल है, जिसकी इंपोर्ट है 2022 की। इट्स अ सेल्फ इंपोर्ट कार, जो कि अभी तक अनरजिस्टर्ड है, और इसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है 22,000 किलोमीटर्स। और जो गाड़ी की डिमांड की जा रही है, दैट इज 32,50,000, 32,50,000 रुपए। फ्रंट साइड को बहुत ही डिसेंट और अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ग्रिल के सेक्शन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। क्रोम की स्ट्रिप्स इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बना रही हैं, और जो इसकी हेडलाइट्स की कंडीशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इन अ वेरी यूनिक शेप। और फ्रंट साइड पे रेडार का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड को भी बहुत ही डिसेंट और अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसके टॉप के सेक्शन में ब्रेक लाइट्स को इंडिकेट करने का फीचर अवेलेबल है। बैक साइड का व्यू क्लियर करने के लिए वाइपर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, और बैक लाइट्स की कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इन अ वेरी यूनिक शेप। और बैक साइड पे 2 पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडोज और विंडोज को लॉक करने का फीचर और साइड मिरर्स को ऑपरेट करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है, विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ सेकंड सीटर साइड का डोर भी अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडो, इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट अवेलेबल है। सेम फीचर्स और सेम कंडीशन के साथ बैक साइड का भी डोर अवेलेबल है। अब बैक साइड का दूसरा डोर भी सेम कंडीशन के साथ अवेलेबल है। सो ओवरऑल जो चारों डोर्स की इनर कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे, एंड हियर इज द की। इंटीरियर इज अवेलेबल इन मल्टी कलर्स। डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग प्रोवाइड किया गया है, विद एसी ग्रिल, जिसके साथ मौजूद है कप होल्डर, एक पोर्शन जिसमें आप अपने सेलफोन, वॉलेट या कीज को कैरी कर सकते हैं। बॉटम में अवेलेबल है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में प्रोवाइड किया गया एंटरटेनिंग पैनल, विच इज इन ऑडियो शेप विद 2 AC ग्रिल्स। हैजर्ड लाइट्स का बटन अवेलेबल है, सेलफोन रखने के लिए पोर्शन प्रोवाइड किया गया, और उसके बॉटम में ऑटो ट्रांसमिशन और एसी का पैनल प्रोवाइड किया गया है। ड्राइविंग साइड पे मौजूद है एसी की ग्रिल विद कप होल्डर, और कंफर्टेबल राइड के लिए इसके बॉटम में मजीद कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेयरिंग की बात की जाए, सो इट इज अवेलेबल इन अ वेरी सिंपल शेप, जिसमें पावर मोट की फैसिलिटी अवेलेबल है, और सेफ्टी पर्पज के लिए एयर बैग प्रोवाइड किया गया है, और बहुत ही डिसेंट लुक है इसके स्टेयरिंग की। हम ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द कार। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स स्पीडोमीटर। लेफ्ट साइड पे 8,000 का RPM मीटर प्रोवाइड किया गया है। मिड के सेक्शन में 140 किलोमीटर की स्पीड रेंज का मीटर अवेलेबल है, और राइट साइड पे एक पैनल प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल आफ्टर टर्निंग ऑन। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए, सो इट इज वेरी वाइड, बहुत ही अनफ स्पेस अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसके पैडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे एक तीसरा पैडल आप देख सकते हैं, जो कि इसकी हैंड ब्रेक को एंगेज करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट सीट्स आर अवेलेबल इन फैब्रिक स्टफ विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बहुत ही कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट के मिड में जो आपके पास पैनल है, इसको आप एज एन आर्म रेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और इसकी इनर स्टोरेज को भी अवेल कर सकते हैं। इट्स अ मूवेबल पैनल, सो अगर आप इसको रिमूव कर दें तो फ्रंट सीट बिहेव करती है आपके लिए एज अ सोफा। रूफ में अवेलेबल है शेड, ड्राइविंग साइड का जो शेड है वो मिरर की फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड किया गया है, और सेकंड सीटर साइड का शेड भी मिरर की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। और इन दोनों शेड्स के मिड में प्रोवाइड किया गया लाइट पैनल, विच इज इन वर्किंग कंडीशन। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गाड़ी की बैक सीट पर, और आपको बताता चलूँ, आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी वाइड। अगली दोनों सीट्स अपनी जगह पे नॉर्मली एडजस्टेड हैं, और बैक साइड पे बहुत ही अनफ स्पेस प्रोवाइड की गई है। बैक सीट्स आर अवेलेबल इन फैब्रिक स्टफ विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए रूफ के मिड में अवेलेबल है लाइट पैनल, विच इज इन वर्किंग कंडीशन। ऑब्जर्व करते हैं बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी, एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस, जिसके अंदर लगेज की एक रीजनेबल क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है। बट अगर लगेज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना हो, तो बैक सीट्स जो हैं वो फोल्डेड कंडीशन में प्रोवाइड की गई हैं, बिकॉज इसके बूट स्पेस का जो एरिया है वो इसके रूम का हिस्सा है, इट इज़ नॉट सेपरेटेड। एंड लाइट पैनल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार, सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड।
सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।